दोस्तों ये एक बड़ा सा डिस्प्ले है। बड़ा ही क्या है, मतलब नॉर्मल में आप कहूंगा सिंपल 23.8 इंच का एक डिस्प्ले है जो कि मॉनिटर के तौर पे काम करेगा। वीडियो में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी टाइप के कंटेंट के लिए आने वाले टाइम में मैं पीसी के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा और ये मॉनिटर मेरे को काफी हेल्पफुल आएगा। अब यहाँ पर आ चुका है लेनोवो का एक एलईडी ब्लैक लाइट वाला काफी जबरदस्त एक मॉनिटर। आप देख सकते हो ऊपर जो फोटो दिया गया है, तीनों तरफ से एज्ड खत्म, मतलब बहुत चीन है, और थोड़ा सा डाउन में यानी कि बटन में इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि स्विच पकड़ा है और यहाँ पे ब्रांड का नेम है। ये सेम टू सेम मेरे ऑफिस में भी लगा हुआ है, सेम टाइप का मैंने लिया क्योंकि मुझे वो काफी पसंद था। तो यहाँ पर मैं हम दिखा देते हैं टॉप में क्या क्या रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो है 23.8 इंच का एक एलईडी स्क्रीन है और FHD 1920x1080 ये जो सपोर्ट करता है, VGA एंड HDMI कनेक्टर है और टिल्ट स्टैंड है, और इसके आपको मूवमेंट कर सकते हो तीन टाइप का, और आई स्कोर टेक्नोलॉजी जो है आपको देखने को मिलता है, AMD फ्री सिंक्रोनाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस बॉक्स के अंदर। सबसे पहले देखने मिल जाता है HDMI पोर्ट जिसके थ्रू मेरे को ही यूज पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप को कनेक्ट करके लैपटॉप का स्क्रीन में इसमें यूज करूंगा। एक इसके अंदर आ जाता है जो कि HDMI पोर्ट, और ये जो है इसका स्टैंड है जो कि हम कनेक्ट करेंगे इसके जो माउंट के लिए, स्टैंड करने के लिए ये सेटअप यहाँ पर रखना पड़ता है, और ये दोनों चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको मैं करता हूँ आउट, और ये जो है आप डायरेक्ट इसका पावर केबल है, आप इसको पावर कनेक्टर जो है आप दे सकते हो, 3 पॉइंट वाला जो आ जाता है इसको आप यूज करके कनेक्ट पावर सप्लाई दे सकते हो। अब इसके अंदर एक टूल्स दे रखा है और दो स्क्रू है जो कि हमें इसके स्टैंड को पेच सेट करेंगे, और इसके अंदर आपको मैनुअल वगैरह बहुत मिलेगा, आप यहाँ पे तसल्ली से पढ़ लेना, चेक भी कर लेंगे कहीं कोई क्रैक व्रुक हो फिर हम आगे दिखाएंगे। अभी बॉक्स को मैं कर रहा हूँ साइड। आप यहाँ पे देख सकते हो तो कितना सुंदर लग रहा है, 23.8 इंच का, और कर्व बहुत ख़त्म है। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो तभी आप पता कर सकते हो। मैं इसका स्टैंड फिलहाल मैं यहाँ पे पहले स्टैंड लगा देता हूँ, उसके लिए मुझे बड़ी सावधानी से इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, और यहाँ पे स्टैंड वगैरह इसके अंदर माउंट करेंगे। ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो कनेक्टर है यहाँ पर एक बार आपको फंसाना है, सेट करना है। ये ऐसे सिस्टम है, ये पीछे की तरफ दोनों चीज को आप दबा के इसको जोर से प्रेस दोगे तो टक सी आवाज आएगा, आप देखिए हो गया, ये सेटअप हो गया। अगर कभी इसको निकालना भी हो, ये ऊपर जो 2 पॉइंट है इसको आप अपनी तरफ से दोनों प्लास जैसा है यानी कि दोनों छोटे छोटे क्लिप जैसा है इसको क्लिक करता ही ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा, आराम से ये निकल जाता है। देखो यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये सेटअप आ गया। इस पे मैं स्क्रू लगा के दोनों को सेट कर दूंगा ताकि उसके बाद हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर ये फिक्स हो गया। नेक्स्ट जो है मैं आपको इसके अंदर ये वाला कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये परफेक्टली सेट हो गया, अब हम इसको यहां पर बिठा सकते हैं। बिठाने
बैक साइड में यहाँ पर कनेक्ट दिया है, आप इसको यहाँ पे सेटअप करके ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पर बटन शो करके लेनोवो का शो हो गया। तो इसी तरह आप अपने एक सेटअप बना सकते हो। ये था एक छोटा सा सेटअप, मैं यहाँ पर आगे की जो वीडियो है कैसे कनेक्ट किया जाता है वो सब ये सेटअप आपको आपको ले आऊँगा। तो बस ये था आज के वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।